जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता का पहला बेचूका हा, माता तकली वार दियांगा। पहली वार जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता का पहला बेचूका हा, माता तकली वार दियांगा। जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता तो पहला दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। पहली वार जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता तो पहला दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। मोहरे खड़ दे देते, पंथ दी चढ़ दी कला दिखा कर चरखड़िया ते चढ़ दे देते। सिंह सूर में अमृत पीते, मौत दे मोहरे खड़ दे देते, पंथ दी चढ़ दी कला दिखा कर चरखड़िया ते चढ़ दे देते। अमृत पी के सिंह सूर में रण विच जोहर दिखा सकदे ने, टेढो फुके वीर दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। पहली वार जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता तो पहला दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। गुरु नानक दे कदमा दी सौ अमृत दा फुल पा देवांगा। लाड लड़के दो लाला नू नीहा विच चिणवा देवांगा। पहली वार जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता तो पहला दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। पहली वार जीत दियांगा, दूजी वार जुझार दियांगा। पिता तो पहला दे चुका हा, माता तकली वार दियांगा। साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रप पायो। साहब फरमांदे हन तिन चीजा बकाऊ नहीं हन, प्रेम बिकाऊ नहीं है, नाम बिकाऊ नहीं है, और जेड़ा साहब अमृत लेके आए हन, जिस दी बरखा उन्होंने की है वह बिकाऊ नहीं है। एदा मुल की है? साहब आप ही फरमाते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दी जाए कान ना की जाए। ए प्रेम दे मार्ग दे उत्ते पैर रखना ही, चलना ही आरंभ उदों हुंदा है जिस वक्त
सिर दीजै कान न कीजै, इत मार्ग पैर तरीजै। सीस दे के प्रेम दा रास्ता शुरू हुंदा है। नाम, बाबा नाथ सिंह साहब ने फरमाया कि नाम है कि एक केड़ा सौदा है, नाम सिर सिर सौदा है, नाम सिरे दा सौदा है, नाम सीस दे वटे मिलता है। अमृत, जे वड आप ते वड तेरी दात, दसमेश पिता ने बख्शिश की 80,000 संगत कठी हुई है, पर अमृत दा मुल की चकाना पे। अमृत दा मुल 5 प्यारिया ने सीस दे के चकाया। सात संगत जी, सीस दे वटे प्रेम मिलता है, सीस दे वटे नाम मिलता है, सीस दे वटे अमृत मिलता है। बाबा नाथ सिंह साहब एक दिन फरमान लगे, कहन लगे फिर सतगुरु ने लेना की है, सतगुरु ने लेना की है। फिर फरमाया, सतगुरु ने ओ देन वाली मैं लेनी है, केड़ी मैं जेड़ी सीस दे रही है, उस मैं नू लेना है। साहब दे चरणा च कुछ अर्पण करके, सीस अर्पण करके अगे की कुछ देना पैंदा है। इनू समझन वास्ते ए मार्ग कनक लंबा है, ए मार्ग कनक मुश्किल है। हर एक जने पास तां ए दात नहीं है। जे सब कुछ दे के ही लेना पैंदा है, आपां पहलों साहब ने की कुछ दत्ता है, इस अमृत दा मुल किस तरह चकांदे हन, किस तरह पांदे हन, ओ सुनिए साहब इस दा मुल की दसदे। Thank you.
ਦਿਆਂਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਝਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੀਤ ਦਿਆਂਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਝਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਦਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਾਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੇਤਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ
जुगां जुगां दे विच एक कलयुग आके ऐसी अनमोल चीज बख्शी है जिसनु प्रेम और नाम दे नाल एक ऐसा अनमोल दर्जा है। एक दफा बाबा नाथ सिंह साहब ने की फरमाया, चंग मगयाने दे रेलवे स्टेशन ते बाबा जी ने गड्डी चढ़नी है, बहुत संगत कट्ठी हो गई, गड्डी लेट सी। बाबा नाथ सिंह साहब बाहर विराजमान हैं, बहुत संगत आले दुआले बैठ गई। उत्थे बाबा नाथ सिंह साहब ने एक वचन किया, एक सीनियर साहबजाद जिसने पहली बारी दर्शन किए सी ये वचन उसने दसे। बाबा जी इस अमृत की कीमत दस रहे सन, फरमान लगे जिस सिख ने अमृत छकिया है अमृत धारी है, रहनी विच रहिंदा है, गुरु प्रायण है, गुरु प्रायण है, सिख की पदवी की है। फिर फरमाया देवते सुर नर मुन जन ये सब इस पदवी नू लोचते हैं। अगे कहन लगे पर पुज नहीं सकते, इस पदवी नू लोचते हैं पर पुज नहीं सकते। फिर बाबा जी अगे फरमाते हैं, कहन लगे जिस वक्त सिखां दे उत्ते मसीबतां दे पहाड़ टुट पए, सिखां दे सिरां दा मुल पैना शुरू हो गया, सिखां नूं लुक के जंगलां दे विच टाइम वक्त कढ़ना पिया, पर अपनी जरूरतां पूरियां करन वास्ते पिंडां च जाना पैंदा सी। ऐसे मौके आए जदों उत्थे रेड हो गए, पिंडां वाले बहुत सत्कार और इज्जत करदे सी अमृतधारी सिख दे आचरण दी, बहुत सत्कार करदे सन। ते फिर जदों रेड होया है ऐसा मौका भी आया है कि सिखां नूं अपनियां लड़कियां नाल सवात के साडा दमा सुता पिया। बाबा नाथ सिंह साहब फरमान लगे के उस अमृतधारी सिख उस रैनी विच जेड़ा पूरा सिख है और गुरु प्रैन है, जिसकी बिरती हर वेले गुरु चरणा च रहिंदी है। कहन लगे उस वेले भी जिस तरह सपने विच भी उस सिख दे उते लेस मात्र काम दासा नहीं हो सकता। केड़े सिख दी अवस्था दस रहे हैं जिसने गुरु गोबिंद सिंह साहब का बख्शिया होया अमृत पीता होया। बाबा नाथ सिंह साहब दे पास दो निजी सेवकां ने हाथ जोड़ के बेनती की कि गरीब नवाज असी ब्याह नहीं कराना, गरीब नवाज सानू अपनी सेवा च रख लो, असी सेवा करांगे, सानू विहंग बना लो। बाबा नाथ सिंह साहब अगों की फरमाते, कहन लगे तुसी गृहस्त मार्ग अपनाना है, तुसी राजयोग करना है, गृहस्त मार्ग दे विच रहंदे हुए सेवा करनी। पर अगे जो चीज कही वो ए सी कि जेड़ा त्याग है, जेड़ी कुर्बानी है, जेड़ा प्रेम है, इसका परचा सिर्फ
साधुआं दरवेशां ते फकीरां वास्ते ही नहीं है, ये परचा गृहस्थियां नूं भी पैंदा है। ये मौके गृहस्थियां दी जिंदगी च भी आते हैं। कहन लगे जिस वक्त त्याग कुरबानी और प्रेम का परचा पै जाए उस वेले बाबा नंद सिंह साहब वो दोनों नूं कहंदे हन कि फिर गुरु साहबान दे पूर्णिया नूं चेते कर लेना। कहन लगे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तो अपना सारा सरबंसी वार दत्ता, नशावर कर दत्ता। कहन लगे उस वेले त्याग कुरबानी और प्रेम च चूकना नहीं। यह उपदेश बाबा नंद सिंह साहब दे रहे हैं, अवस्था दस रहे हैं अमृतधारी सिख दी, रहनी वाले सिख दी। और दशमेश पिता दे उस बख्शिश और दाता दी जेड़ा त्याग प्रेम और कुरबानी बगैर नहीं मिलता। सात संगत जी प्रेम ही पिता जी कहन लगे, जिसनू असल प्रेम होएगा, उच्चा और सुच्चा प्रेम होएगा, स्वार्थी प्रेम नहीं, मतलबी प्रेम नहीं। जिसनू उच्चा और सुच्चा प्रेम होएगा अपने सतगुरु उत्ते कुरबान तो सिर्फ वही हो सकता है। प्रेम दा दूजी रूपरेखा दसदे हन कि कुरबानी है, ओही प्यारे कुरबान होए हन सतगुरु दे जेड़े सतगुरु प्रैण सन, जेड़े सतगुरु दे चरणा दी प्रीति च कुरबान सन, आशक सन, ओही प्यारे कुरबान। मामा बाजियो परियों निशाने का।
एक दफा बाबा नंद सिंह साहब ने दीवान च बचन करते हुए गुरु नानक पातशाह दे चार स्वरूप दसे। पहला निराकार, दूजा साकार, तीजा गुरबाणी ते चौथा निमरता। साहेब आप ही निरंकार सन, फिर साकार रूप दे विच जिस वक्त तशरीफ ले आए हैं, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तीजा स्वरूप, चौथा निमरता। साहेब नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां सिउ क्यारीस। गुरु नानक पातशाह ने मैं नानक नहीं किया सारी बाणी च, गुरु ग्रंथ साहब दे विच मैं नानक दा लफ्ज नहीं मिलेगा। किस निमरता दे विच विच रहे हन, रत्ती पर वड्याई नहीं ली सारी वड्याई निरंकार नू पार ब्रह्म नू दे रहे हन। गुरु साहबान निम्रता दे पूरने पा रहे हन, गुरु अंगद साहब गुरु नानक पातशाह दे चरणा दी तूट बन गए, गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब दे चरणा दी तूट बन गए, निम्रता दे पूरने पा रहे हन। केड़ी निम्रता, गुरु रामदास जी सच्चे पातशाह अमृतसर विराजमान हन, पता लग्या बाबा श्री चंद जी महाराज आए हैं, बहुत सत्कार दा स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, उच्ची जगह बिठाया है और फिर चरना चाप बैठ गए। जिस वक्त चरना चाप बैठे हैं ते अपने पावन दर दे नाल बाबा श्री चंद जी दे चरण परसने शुरू करते। बाबा श्री चंद जी उन्हां दी निम्रता गरीबी देख के उस गुरु नानक पातशाह निरंकार पिता दे चरणां च लीन हो गए। थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के गुरु रामदास जी सच्चे पातशाह नूं एक बचन करते हैं, कहन लगे एक दफा असी अपने निरंकार पिता नूं पुछिया कि हे सच्चे पातशाह जे तुहानूं लभना होवे तां कित्थे लभीए। तां अगों फरमांदे हन गुरु नानक पातशाह अगों की फरमांदे हन, वह बाबा श्री चंद जी दस रहे हैं गुरु रामदास। कहन लगे सानूं जवाब दिता, कहन लगे श्री चंद जे सानू लभना होवे तां इस लोकाई दे पैरां दी खाक च लभनी। आ जेड़ी रचना है इहदे पैरां दी खाक च लभनी। उस वेले बाबा श्री चंद जी कहन लगे कि असी तुहाडे विच उही गुरु नानक दा प्रकाश, उसे निम्रता और गरीबी दीआं झलकां ताडे चेहरे ते देख रहे हां। फिर हाथ जोड़ के तीन वारी किया, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। साध संगत जी एक ऐसे निमरता है, पंचम पिता साढ़े वास्ते जो कुछ करके गए हैं, साहेब साडे वास्ते एक थाल परोस के रख गए हैं, किस तरह का प्यार कर रहे हैं। एक थाल दे विच एक भोजन परोस के रख गए हैं और फिर फरमा की रहे हैं, थाल विच तीन वस्तु पयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सब सदार,
जे को खावे जे को भंचे तिसका होए अधारो, ए वस्त जी ना जाए नित नित रखो धारो। एक थाल पड़ोसिया है ओदे विच पकवान की रखे हैं। अमृत नाम दे विच सत संतोख ते ब्रह्म विचार। फिर साहब ओ थाल साडे वास्ते पड़ोस के रख गए ते गुरु ग्रंथ साहब दी सिरजना पूरी करके ता फिर अगे वड्याई लई। तेरा कीता जातो नहीं मैनू जो कीतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पियो। कोई वड्याई नहीं लै रहे, सारी वड्याई गुरु नानक पातशाह नूं देई जा रहे हैं। गुरु अर्जन पातशाह जेड़े इस वेले जत्थे गुरद्वारा पिपली साहब है, काबल दी संगत उस दी सेवा करदे हुए लंगर अपने सीस ते चुके, ओ ते माता गंगा जी उन्हां दे चरण कुटदे हन, टंगां कुटदे हन। जिस वक्त वह दरबार साहब आंदे हन उन्हां दे जोड़े साफ करदे हन, ते उस वेले गुरु अर्जन पातशाह किस निम्रता च हथ जोड़ के उस संगत नूं कह रहे हन कि मैं सेवा लैन वास्ते नहीं आया, मैं तुहाडी सेवा करन वास्ते आया। ए गुरु नानक अपनी संगत नूं कह रहा है। ओ केड़ी निम्रता, कोई वड्याई लई साहब ने। और फिर कैसा अलाही भोजन दा थाल ओ पड़ोस के साडे वास्ते रख के। आओ जरा दशमेश पिता दे चरना छासरी लवाइए, ओ साहब की कर रहे हैं। दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे। हर परा में आन दुआर तो है, हर परा में आन दुआर तो है, दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे। Boom.
मुही और न गले। देखते जग में दो चले राखाप मुही और न गले। दास जान कर कृपा करो मुही, दास जान कर कृपा करो मुही, दास जान कर कृपा करो मुही, दास जान कर कृपा करो मुही। जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह साहब ने दमदमा साहब गुरु ग्रंथ साहब नू दोबारा लखाया है, साहब ने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी चढ़ाई है। साध संगत जी अपनी तुलना गुरु नानक नाल कीती उस वेले उन्होंने इन्नी बाणी उचार चुके सन, अपनी बाणी की तुलना की गुरु नानक की बाणी ना, एक शब्द भी अपना चढ़ाया। केड़ी निम्रता च विचर रहा मेरा दशमेश पिता, मेरा सरताज गुरु गोबिंद सिंह केड़ी निम्रता च विचर रहा है। सात संगत जी खालसा साजिया है, पर जो फरमाया उस वेले कह की रहे हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम नहीं मौसो गरीब करोड़ पड़े। उस वेले तक करोड़ों की ही आबादी सी, कभी भी आज तक कसे सृजनहार ने साजन वाले ने जिस चीज नू साजिया होवे उन्हों वडियाई इन्नी दत्ती है कि इसने मैनू साजिया है। साध संगत जी कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब नू साज सकता है? जिस निम्रता गुरु नानक दे घर की निम्रता च वह वरत रहे हैं, जिस वक्त ये कह रहे हैं, तुसी आप ही सोच के दसो, तुसी सारा पंथ तो छड़ दिओ, सारा संसार एक गुरु गोबिंद सिंह, एक गुरु गोबिंद सिंह साज के दिखा दे, साज सकता है। और कभी भले लोगो ये संसार भी करतार नू साज सकता है, कभी ये संसार भी ये रचना भी रचनहार नू साज सकती है। दशमेश पिता जेड़े ओ प्रभु चरणा चो निकल के आए हैं, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, चितना भयो हमरो आवन के, जेड़े उस प्रभु चरणा चो अपने आप नू कुछ नहीं किया। साध संगत जी जेड़ी निम्रता दे विच एक बारी सोच के देखो, जे गुरु अंगद साहब गुरु नानक पातशाह दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं। पिता जी कहन लगे ए सजदे दा, ए डंडात करन दा, ए मत्था टेकन दा मतलब की है? कहन लगे जिस वक्त गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते सजदा कीता है, मत्था टेकया है, कहन लगे ओ उठे, ओ आप उठे हैं, उन्हां दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं, ता उस तूड़ चो प्रगट कौन होया? गुरु नानक पातशाह, गुरु नानक निरंकार। ते जे गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं, उस तूड़ दे विचों उस निम्रता चों उन्होंने अपना मस्तक चुकया है, वह मत्था सजदा कदी पूरा होया उहदे विचों आप तां है ही नहीं, ओ चरणा विच समा गए हैं,
ते उठिया कौन? गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद साहब। ये चौथे पातशाह ने टेके। तो अगर यही मिसाल ले लिए, जिस वक्त दशमेश पिता कह रहे हैं द्वैत एक रूप हो गए, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, ते जे आप वड्याई लै नहीं रहे प्रभु नू दे रहे हैं, तो जेड़े प्रभु दे चरणा दे विच सुरत बैठी चुभी हुई है, ते उतो प्रगट हो के ए संसार च आया कौन है? ओ प्रभु ही आया है, कोई होर तो नहीं आया। सा संगत जी और निरंकार ही आया है। पर साहब दी निम्रता देखो, इन्हीं की कृपा के सजे हमें नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। निजाम हैदराबाद बहुत दोस्त सन महाराजा रणजीत सिंह दे, एक मैसेज भेजे दरबार च पढ़िया गया कि तुहाडे महान सतगुरु का इत्थे स्थान है, पर बड़ी भारी बेअदबी हो रही है क्योंकि उस जगह कोई चीज बनाई नहीं गई जिस दे नाल वो बेअदबी ना होवे। महाराजा रणजीत सिंह ने उस वेले अहलकार सियाने भेजे हैं भी देखो जाके की वजह है। जिस वक्त वो वापस आए हैं तो उस वेले भी महाराजा रणजीत सिंह दरबार च बैठे सन, तो आके क्या के पढ़ के सुनाओ। उन्होंने फिर दसिया कि गरीब नवाज दशमेश पिता जिस वक्त खेड वरता के गए हैं उस वेले ए बचन करता कि जे कोई भी साड़ी निशानी पाएगा उदियां कुलां गल जाएंगी। और दशमेश पिता की निम्रता देखो, अपनी बाणी की तुलना नहीं कर रहे, अपनी तुलना नहीं कर रहे गुरु नानक पातशाह नाल। खालसा साज के वड्याई सारी खालसे नू दे रहे हैं, अपनी निशानी तक नहीं कोई पाना चाहते। दशमेश पिता की निम्रता देखो। महाराजा रणजीत सिंह उठ के कहन लगा, कहन लगा ओए ऐसे गुरु तो सैकड़ा कुलां कुर्बान। उस वेले फिर उतों चाले पाए हैं महाराजा रणजीत सिंह के हुक्म नाल, अहलकार मिस्त्री सियाने बड़े लोग गए हैं और खजाने का मुंह खोलता है। फिर भेजा तो उत्थे उन्होंने स्थान बने। सात संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने निम्रता, मिशन कंप्लीट हो गया है साहब का, खेड वरतान लगे हैं। उस वेले हम सिखा नू इस दुनिया नू इस मातलोक नू लड़की दे ला रहे हैं। साहब गुरु ग्रंथ साहब उन्हां दा प्रकाश कीता, नारियल पंज पैसे रखी, साहब दे चरणां च मत्था टेकिया, परकर्मिया कीती चौर कीती, साहब दे चरणां च हाथ जोड़ के खड़े हन गुरु गोबिंद सिंह साहब। और हुक्म की दे रहे हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे। की हुक्म दत्ता है और किस वेले दत्ता है? अपना सब कुछ समेट के, अपना सब कुछ नशावर करके, उस प्रेम दे विच, जिस प्रेम दे विच कुरबानी जेड़ा है उदा दूजा रूप है, स्वरूप है, रूप रेखा है, कीता की कुरबान, सारा सरबंस उस प्रेम कुरबान करता, सब कुछ अपना नशावर करके, सब कुछ संकोच के, फिर आप लंबे हो गए। जिदा पंजम पिता सच्चे पातशाह आप लांबे हो गए सन, फरिश्ते हो गए हैं, ते सारी मनुखता दा मुख किदे वल कीता? श्री गुरु ग्रंथ साहब।
साहब उस वेले भी पंचम पिता ने भी ये सब कुछ मनुखता का मुख उदर करके फिर अग च आसन ला लिया सारे कर्जे चुका। अज दशमेश पिता सब कुछ अपना कुरबान करके फिर गुरु ग्रंथ साहब के चरणा च सारिया का लड़ सब उन्होंने चरणा च सौंप के ते आप अलहदा खड़े हो गए। साध संगत जी कोई वड्याई ले मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कोई रत्ती पर भी मान लिया है। साहब उस वेले पर बाबा नंद सिंह साहब का एक बचन कहन लगे जेड़ा भी महापुरुष है संत है सिख कहन लगे जे गुरु नानक पातशाह च कोई पकड़ नहीं सी सब नू पार ब्रह्म नाल जोड़ रहे सारी वड्याई उन्हों दे रहे सारे गुरु साहबान अपनी कोई पकड़ नहीं दशमेश पिता अपनी कोई पकड़ी नहीं सारिया दा मुख सारी मनुखता दा मुख गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ रहे कहिंदे महापुरश की यह वड्डी निशानी है कि उहदी अपनी पकड़ कोई नहीं होती। जिस वक्त भी वह जोड़ेगा असली महापुरश किसी नूं और गुरु ग्रंथ साहब दे नाल ही जोड़ेगा कभी अपने नाल नहीं जोड़ेगा। परा में आन दुआर तो है दास जान
जान करो प्रित पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। अपना जान करो प्रित पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान ते हाथ उबारो, हमरी सब बैरियन संहारो। दास जान ते हाथ उबारो, हमरी सब बैरियन संहारो। दास जान कर कृपा करो, मोहे दास जान कर कृपा करो, मोहे दास जान कर कृपा करो, मोहे दास जान कर कृपा करो। बाबा नंद सिंह साहब ने एक दफा एक पावन वचन सुनाया, बहरूपिया है सांग ताड़िया राजे तो अपनी बख्शिश मांगदा है। अगों राजे ने कहा कि तू साडे दरबार दा बहरूपिया, असी तेनू पहचानदे हैं, जे कोई सांग ऐसा वर्तावे जिस दे नाल तैनू असी पहचान ना सकीए, फिर तू बख्शिश दा हकदार। सत बचन कह के एक पासे हो गए। कुछ समा लंघ गया, वजीर ने आके राजे दे पास बेनती की कि राजन एक संत आए हैं, बाहर बाग च ठहरे हैं, बहुत उन्हां दी उस्तत सुनी है, साडी राया रईयत तकरीबन सारे ही उन्हां पास जा चुके हैं। एक बड़ी अचंभे वाली गल है कि कदी कोई चीज प्रवान नहीं करती, कोई स्वीकार नहीं करते, कोई चीज अंगीकार नहीं करते। कई जाते हैं, कई चीजा उत्थे रख आते उन्हां दे चरणां च, कई जाते चुक लिया। राजा बड़ा खुश होया, कहन लगा कि ऐसे संतां ने साडे राज दे विच चरण पाए हैं, भाग लाया है, चलो असी भी चल के लाभ उठाई। गए जो राजे नूं बंदा सी उस तरह की भेटा तैयार की गई, हीरे जवाहरात कीमती वस्त्र होर फल फ्रूट सब कुछ लैके थाल सजा के अहलकार नाल हन वजीर लैके गया। जदों राजा पहुंचया है, देखिया है राजे वल, उन्होंने थाल अगे रखी, भेटा रखी, बेनती की हाथ जोड़ के राजे ने कि एक प्रवान करो गरीब नवाज। संत जी अगों कोई चीज अंगीकार नहीं की, कोई चीज स्वीकार नहीं की, बैठे। कुछ देर बाद राजा अहलकार सारे उठ के धन धन कहते वापस आ रहे हैं, सब थाल भी चुक लिया क्योंकि उन्होंने अंगीकार नहीं किए। थोड़ी दूर ही आए हैं तो उ बहरूपिया वो संत का पेख उतार के राजे दे अगे हाथ जोड़ी खड़ा है। राजन मेरी बख्शिश दो। राजा बड़ा हैरान होया, कहन लगा वो तू वही बहरूपिया है, ये सांग संत दा तू तारिया होया सी के गरीब नवाज, वो तेरे अगे मैं हीरे जोहारात रखे, एडिया कीमती चीजा रखिया, तू उस वेले उन्होंने चुक सकदा सी,
तू ले सकता सा, पर वो तू नहीं चुकियां, हुण एक थोड़ी जी बख्शिश मंग रही, वो क्यों नहीं चुकियां मैनू ये दस। अगों कह लगा राजन, एक बड़ा पवित्र भेख मैं तार लिया सी, एक संत दा पावन भेख मैं सांग बनाया सी, जे मैं उस भेख दे विच एक चीज भी चुक लैंदा संत दे भेख नूं बट्टा लग जांदा। गरीब नवाज, मैं उस भेख नूं बट्टा नहीं ला सकदा, मैं उहनूं कलंकित नहीं कर सकदा। हीरे जवाहरात मैं चुक के उस भेख नूं कलंकित नहीं कर सकदा सी, हुण तुसीं थोड़ी जी भी बख्शिश दिओगे उह मेरे धन पाक। फिर बाबा नंद सिंह साहब ने दो दफा दराया के संत की ते हीरे जवाहरात की, फिर क्या संत की ते हीरे जवाहरात की। फिर बाबा नंद सिंह साहब फरमान की लगे, कह लगे ए भेख ए भेख संत दा, मात्र लोग संत बन गए हैं पर भेख दी लाच नहीं है, काम की हन। फिर कहन लगे आ जेड़ा पावन भेख सिखी दा सानू बख्शिया होया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, असी अखवांदे हाँ गुरु नानक पातशाह दे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख, ते साडे काम की हन, साडियां करतूतां की हैं। फिर बाबा नंद सिंह साहब कहन लगे कि साडे नालों तो बैरूपिया चंगा है, जिसनू भेख की लाज है, जिसनू भेख की शर्म है। फिर अगों कहन लगे ए सिखी दे भेख, इस दी तां आपां लाज रखिए, इस दी तां सानू शर्म होवे, असी इस नूं ना बट्टा लगन दईए।